हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आशीषों ब्लेस्ड हों। हर बुधवार शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। और इस बुधवार तो बड़ी प्रार्थना है, दुष्ट आत्मा से छुटकारे की प्रार्थना, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं, इसलिए लाइव जरूर जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक है, बहुत अच्छा है, कि आपको कौन सी आशीष चाहिए। सब चाहते हैं कि मुझे आशीष चाहिए, सब लोग चाहते हैं मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। बच्चा सा बच्चा कहता मुझे आशीष चाहिए, बुजुर्ग तक कहते मुझे आशीष चाहिए, जो कुंवार हैं वह भी कहते हैं आशीष चाहिए, और जो जिनकी शादी हो चुकी है वो भी कहते हैं कि हमें आशीष चाहिए। हर एक जन, हर एक परिवार, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग आशीष ही आशीष चाहता है। हालेलुया। अब बात आती है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अब अगर हम बात करें आशीष की, तो कौन सी आशीष, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 13 में लिखा हुआ है कि एक बीज बोने वाला निकला। ध्यान से सुने, इसकी गहराई मैं आपको बताऊंगा, ये मत सोचे इसकी गहराई आप इसमें, मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, इसलिए ध्यान से इसको सुने। वचन कहता है कि बीज बोने वाला निकला, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, पहला बीज गिरा मार्ग के किनारे, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। तीसरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों में बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। अब बात है कि आप कौन सी भूमि हो। क्या आप वह भूमि हो जहां पर आप कुछ भी बीजते हो, शैतान चुरा के ले जाता है, या आप कुछ भी करते हो आप फलवंत नहीं होते हो। हालेलुया। लेकिन हमारी भूमि वो नहीं है, हमारी भूमि है उपजाऊ। हम चाहते हैं आशीष, आशीष और आशीष। बंजर जमीन पे आशीष नहीं होती, उसके लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सब अच्छा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, जरूरी बात यह है, गहरी बात यह है कि, और अच्छी बात यह है कि आप अच्छी भूमि हो। जो लोग कह रहा है कि मैं अच्छी भूमि हूं, कहीं आमीन, वाकई में हम लोग अच्छी भूमि हैं। अब बात आती है हमें कौन सी आशीष चाहिए, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। इधर वचन एक बात कह रहा है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। लिखा हुआ है जो कि राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। हालेलुया। अगर इसकी और गहराई में जाएं, आप 24 पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आपने अच्छा बीज बोया। आप चाहते हो कि मेरे बेटे फलवंत रहें, मेरा पति आशीष रहे, मेरा बिजनेस आशीष रहे, और हम बीज अच्छी भूमि पर बीज रहे हैं। हर कोई बीज अच्छी भूमि पर बीजता है, कोई भी बीज अच्छी भूमि पर, गलत भूमि पर नहीं बीजता। लेकिन अब बात आती है आशीष लेने की। वो बात ये है, वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मतलब आपने अपने जीवन में अच्छा बीज बोया और वह बीज है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। वो बीज है विश्वास, वो बीज है जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो, वो बीज है। हालेलुया। अब ये तो है नहीं कि जब उसको हम लगाते हैं और उसकी सिर्फ एक डाली निकलती, नहीं, उसकी अलग अलग तरह की डालियां निकलती हैं, अलग अलग तरह के फूल निकलते हैं, अलग अलग तरह के पंख निकलते हैं उसके, पंख मतलब कि पंखुड़ियां जो होती हैं निकलती हैं उसके, जड़ नीचे से एक होती है लेकिन ऊपर से वो फैलता 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 बहुत फैल जाता है।
हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि हम सब चाहते हैं कि हम फलवंत होएं, लेकिन यहाँ पर एक बात होगी। बात क्या होगी? देखिए, आप इस वचन के गहराई में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है जो अच्छी भूमि पर था वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। अब आपने ये सोचना है अपने जीवन में कि आप मसीह में होने के बावजूद भी आप 30 गुना फल ला रहे हो, आप 60 गुना फल ला रहे हो या आप 100 गुना फल ला रहे हो। ये बहुत गहरी बात है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग अभी 1.5 साल में मसीह में आते हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु ने उठाकर पतवंतों पर ले जाता है। कुछ लोग 20-20 साल से मसीह में, लेकिन वहीं के वहीं रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है? वचन बता रहा है, मैं नहीं, वचन कह रहा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे। ये गहरी बात है, एक बहुत गहरी बात, कि जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। क्या हो गया? जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले तब बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने का पौधे उसमें कहां से आ गए? हम भी कहते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते थे, हम तो आराधना भी करते थे, हम तो स्तुति भी करते थे, हम तो वचन भी पढ़ते थे, सब काम करते थे, लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों हो गया, अचानक मेरे साथ हादसा पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं प्रभु मेरी कब प्रार्थना सुनेंगे, पता नहीं मेरे जीवन में कब चमत्कार होगा, पता नहीं प्रभु मसीह कब करेंगे, पता नहीं यहोवा परमेश्वर कब करेंगे, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा। हालेलुया। लेकिन इसके गहराई को समझे, वो ये कह रहे हैं कि क्या तूने गलत बीज बोया था क्या? वो कहते, ना जी ना, मैं तो अच्छा बीज बोया था, मैं तो प्रार्थना भी करता था, मैं तो आराधना भी करता रहा, मैं तो भवन में भी जाता था, मैं तो अच्छा बीज बोया था। फिर संकट कहां से आ गया? हालेलुया। लिखा हुआ यहां पर, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। हालेलुया। और शत्रु कैसे आ सकता है? मान लो मेरा घर है, मेरे घर में शत्रु आसपास भी नहीं मंडरा सकते। आपका घर है, आपके घर में शत्रु नहीं आ सकते। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आप गेट खोलेंगे, आप देखोगे लगता बाहर आवाज आ रही है, कोई गेट खटका रहा है या कोई कुंडा खोल रहा है, अगर कोई दीवार फाड़ कर आएगा आपको लगेगा कि कोई दीवार कूद के अंदर आया है। अगर वो आपके घर के अंदर सामान उठा रहा है, आपको आवाज आएगी बर्तन उठाने की या अलमारी खोलने की, आपको आवाज आएगी, लेकिन एक बात से आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। वो आपके अंदर भी आ जाएगा, आपकी तिजोरी भी खोल लेगा, आपके बर्तन भी उठा लेगा, आपका सोना भी उठा लेगा, आपके गहने उठा लेगा, सब कुछ उठा के ले चले जाए। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है, वचन ऊपर क्या कह रहा है 25 में, लोग सो रहे थे। हालेलुया। ये है कमी, कि मसीह लोग 30% 60% और कुछ लोग 100% फल लाते हैं, बाकी 30% पे रह जाते, क्योंकि वो लोग सोते रहते हैं खरगोश की तरह। पहले तो भागते हैं 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 भागकर सोचते, बस अब तो मैं पहुंच गया, अब तो बहुत आगे आ गया, मैंने तो सबको पीछे कर दिया, मैंने कलीसिया वालों को पीछे कर दिया, यहां तक कि मैं तो अपने पास्टर जी से ज्यादा प्रार्थना करने लग गया हूं मैं। हालेलुया। लेकिन वो जब थक जाता है और जब आराम करने लगता है तो शत्रु आता है और गलत बीज बोकर चला जाता है। हालेलुया। और बीज ऐसा बीज नहीं कि हम उसको उखाड़ सकें। इधर वचन क्या कह रहा है, आगे और सुने, वचन कह रहा है, दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लाओ। हालेलुया। क्या है यहाँ पे? वो इतना फूल जाता है कि ऐसा बीज हो जाता है हमारे अंदर कि ना तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो सब खराब हो जाता है, ये ना हमारे गेहूं भी खराब हो जाए। हम उसको कहते हैं, इसको फलने दो अंदर ही अंदर, वो अंदर अंदर फलता रहता है, फलता रहता है, फलता रहता है। हालेलुया। इसलिए एक बात का ध्यान रखें, कभी भी सोए ना मसीह जीवन में। वचन कहता है, शैतान गर्जने वाला सिंह की तरह गरजता रहता है कि किसको पकड़ूं और किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया।
हमने जागने रहना है, आत्मिक तौर से जागते रहना है। हम ठंडे हो जाते हैं, हम तो बस जी, मान लो कोई किसी घर में प्रार्थना में जाता है, उसने उसको ऑफरिंग दे दी, मतलब अच्छी ऑफरिंग दे दी, तो क्या सोचता है कि मैंने ऑफरिंग दे दी है परमेश्वर के दास को, अच्छी बात है उन्होंने ऑफरिंग दी है, हमें अच्छी से अच्छी ऑफरिंग देनी चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर के दास प्रसन्न होते हैं और दिल से आशीष देते हैं, दिल से, अब्राहम ने क्या किया था, भाग भाग कर सेवा की थी और उसको क्या मिला, जो उसको चाहिए था। हम जब परमेश्वर के दासों को अच्छी सेवा करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं तो आपको भी भाग भाग के आशीष मिलती है। लेकिन मैं आपको इस बात में लेके आना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं वो क्या करते हैं, मैं तो मोटा दान देता हूँ भवन में, वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, उपवास नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, मैं तो मोटा दान देता हूँ परमेश्वर के भवन में, लेकिन वो अंदर ठंडे रहते हैं। वचन कहता है कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था, लेकिन ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, गुनगुने हो। हालेलुया। ज्यादा ठंडे में लोग हाथ नहीं डाल सकते और गर्म में तो वैसे नहीं डाल सकते, लेकिन ठंडे में हाथ चला जाता है। एक बात गहरी सुने, ठंडे पानी में हाथ डालोगे ना, हाथ जरूर सुनो हो जाता है लेकिन हाथ अंदर चला जाता है, लेकिन गर्म पानी में आप उसकी पास भी नहीं जा सकते, वो उंगली जला देगा। और गुनगुने में हाथ डबोलो, खेलते रहो। हमारा जीवन ऐसा है, कई बार हम गुनगुने हो जाते हैं, हमें रहना है गर्म, ऐसे कड़ गर्म रहना है कि हम 100 गुना फल लाएं। अब आपने अपने अंदर विचार करें कि आप 30 गुना फल ला रहे हो, आप 60 गुना फल ला रहे हो, आप 100 गुना फल ला रहे हो। ये समय है सोचने का। इस भोर के समय में मैं रात को इसीलिए अपलोड करता हूँ प्रार्थना, क्योंकि कुछ लोग 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं। मैं तो चाहे सुबह 7 बजे अपलोड कर दूं सुबह की प्रार्थना, नहीं, मेरे कलीसिया को कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं भोर के समय में, और इसलिए मैं इसको 12 बजे या 11:45 पे हाईएस्ट 12 बजे तक, 12:05 तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ताकि वो बेचारे जब रात 4 बजे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो उन्हें कुछ नॉलेज मिलती है, उन्हें एक आत्मिकपन मिलता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें 100 गुना फल लाना है। अगर आप 100 गुना नहीं फल ला रहे थे तो आज अपने घुटनों को टेके परमेश्वर के आगे और कहें कि प्रभु जी, क्या मुझसे कोई गलती होगी कि मैं 30 गुना फल ला रहा हूँ, प्रभु जी 60 गुना फल ला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं 100 गुना फल लाऊं। इसलिए आप कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं 100 गुना फल चाहता हूँ, मैं 100 गुना फल चाहता हूँ। मेरे पिता और रबस्सा लख रबनवराजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, जो लोग कह रहे हैं कि प्रभु जी हमारे अंदर, हमें लगता है कि जंगली बीज बोया गया है मेरे पिता, और जंगली बीज उखाड़ दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो जंगली बीज उखाड़ दिया जाए मेरे पिता, और हम भी 100 गुना फल लाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से वो जंगली बीज उखाड़ दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो जंगली बीज उखाड़ दिया जाए मेरे पिता। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ, वो जंगली बीज उखाड़ दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये 100 गुना फल लाए, ये 100 गुना फल लाए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, ये 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, इस प्रार्थना के बाद आप जरूर प्रार्थना करो और परमेश्वर से बात करेंगे, प्रभु मैं अगर आत्मिक में सो गया था, मैं फिर से उठना चाहता हूँ, मैं 30 गुना नहीं बल्कि मैं 100 गुना फल चाहता हूँ, और निश्चय प्रभु आपको फिर से रिस्टार्ट करेंगे। हालेलुया। रिस्टार्ट को स्विच ऑफ नहीं, रिस्टार्ट करेंगे। हालेलुया। और वापिस परमेश्वर वही आपको सामर्थ्य, वही आपको जलाल, उससे आपको भरेंगे और आप 100 गुना फल होगे। प्रभु आपको ब्लेस करें और वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन चमत्कार करें। आमीन।